हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक बेस्ड है बोहर एटॉमिक मॉडल पर। प्रीवियस लेक्चर आप पहले देखेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो बोहर मॉडल पर बेस्ड है। सबसे पहले हमने समझना है कि व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट? वाइट लाइट यानी जो सन रेज हैं उसको जब अपने, ये क्या है, वाइट लाइट रेज, और हमने इसको क्या करा, एक प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म से पास करने पर अगर आप स्क्रीन पे इन लाइट को डालते हैं तो स्क्रीन पे आपको ये इस तरह से बिबगियोर यानी सेवन कलर का एक बैंड प्राप्त होता है, यानी बैंड ऑफ कलर डेट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रा। इसको क्या बोल दिया मैंने, स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया कि स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन का हमने पढ़ना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, स्पेक्ट्रम टू टाइप का है हमारे सिलेबस में, इमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल सा है। आपने मान लो कोई गैस ली, हाइड्रोजन या हीलियम, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिया और इसको एक कंटेनर में रख कर इसको हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज भी कर सकते हैं, या फिर हमने इसको क्या करा, हीटअप किया। हीटअप करने के कुछ समय के बाद यहाँ से रेडिएशन निकलता है और इस रेडिएशन को आपने प्रिज्म से गुजारा। प्रिज्म से पास करने पर यहाँ पे ये स्क्रीन है, इसमें हमने देखा कि सम स्पेसिफिक वेव लेंथ का हमें रेडिएशन मिलता है, ठीक है। ये क्या है, स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पर सम स्पेसिफिक वेव लेंथ का रेडिएशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इट ऑब्टेन फ्रॉम द सब्सटेंस विच इमिट लाइट, है ना। ऐसे सब्सटेंसेस जो लाइट इमिट कर सकते हैं वो इमिशन स्पेक्ट्रम देते हैं ऑन एक्साइटेशन इधर बाय द हीटिंग ऑफ द सब्सटेंसेस। अब ये भी दो तरह का होता है इमिशन स्पेक्ट्रम। कितने तरह का होता है, टू टाइप का होता है। एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, एंड सेकेंड वन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब हम इन दोनों टाइप को ईजिली डिस्कस करेंगे, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। नाउ फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम इमिशन स्पेक्ट्रा का। फर्स्ट पार्ट है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। कंटिन्यूस का मीनिंग यहाँ पर स्टूडेंट है, जब वाइट लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो ये प्रिज्म, मैंने अब क्या कर दिया है, इसको उल्टा करके रखा है, ये प्रिज्म है और ये वाइट लाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि यहाँ पे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा मिलता है। कंटिन्यूस का मीनिंग है कि ये जो सेवन कलर हैं, यानी एक सेवन कलर का बैंड हमें यहाँ पे मिल रहा है, सेवन कलर बैंड, यानी कोई भी कलर ऐसा नहीं है जो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, बिब ग्योर आप समझते हैं ना। तो जो बैंड हमें मिल रहा है वो सेवन कलर का मिल रहा है, जिसे हम बिब ग्योर बोलते हैं, है ना। तो एक पूरा इस तरह से सेवन कलर का एक बैंड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसे हम बिब ग्योर बोलते हैं। और यहाँ पे जो वायलेट होता है उसकी वेवलेंथ होती है 400 एंगस्ट्रम, और यहाँ पे जो रेड होता है इसकी जो वेवलेंथ होती है, अच्छा यहाँ पे 4000 एंगस्ट्रम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रम होती है। तो हमने ये समझ लिया कि भाई कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है हमें कैसे मिलेगा, हमने लाइट को जब प्रिज्म से गुजारा तो हमें सेवन कलर मिलते हैं, और यहाँ ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम हमारा कंप्लीट होता है व्हेन वाइट लाइट इज अलाउड टू पास प्रिज्म, इट गेट रिजॉल्व इनटू सेवरल कलर बैंड, ओके। नोट डाउन कीजिए। नाउ सेकेंड पार्ट इज ऑन डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा। व्हेन अ गैस हीटेड इन इलेक्ट्रिक और ब्लूइस फ्लेम, इलेक्ट्रिक आर्क किया हमने, बंसन फ्लेम लिया और हमने क्या करा, एक गैस को हमने हीटेड किया। मान लो यहाँ पे एक कंटेनर लिया और यहाँ पे कोई गैस है, ठीक है, और हमने यहाँ पे इसका हीटेड करना शुरू किया। तो जब हीटेड करते हैं तो एक तरह का, इस तरह का हमने ये देखा कि हमें प्रिज्म से पास करने पर कुछ स्पेसिफिक वेव लेंथ ही मिली, और जो ये स्पेसिफिक वेव लेंथ थी, अब इसमें कंटिन्यूस यहाँ पर बैंड नहीं बनने हैं, अलग अलग वेव लेंथ के। स्पेसिफिक वेव लेंथ का मीनिंग है कि यहाँ पर रेड का जो वेव लेंथ आया 6563 आया, ब्लू ग्रीन की वेव लेंथ आई 4861 आई, एंड इंडिगो की वेव लेंथ आई 4340, और वायलेट की वेव लेंथ आई 4102।
यानी यहाँ पे कुछ लाइट बैंड और कुछ डार्क बैंड देखने को मिलते हैं और ये अलग अलग डिस्टेंस पे मिलते हैं और इनकी जो वेवलेंथ होती है ये भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को हमने ये ऐसे ही समझना है, जैसे कि आपने हाइड्रोजन गैस ली, ये हाइड्रोजन गैस है मान लो, तो हाइड्रोजन गैस के स्पेक्ट्रा अगर आप देखते हैं, जब हमने इसको हीटेड किया तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब एक्साइटेड स्टेट में कुछ ही समय के लिए रहेगा ये, फिर वापस ये अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहता है, ठीक है, स्टेबल होना चाहता है, तो एनर्जी को क्या करता है यहाँ से ये रेडिएट करता है। और जो एनर्जी स्टूडेंट यहाँ से रेडिएट होती भी आपको दिखाई देती है, और यही एनर्जी हमें देती है स्पेक्ट्रा। आप ध्यान रखना, जो स्पेक्ट्रम बनता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद अपनी फिर से फॉल करता है कि इसमें ग्राउंड स्टेट में, तो एनर्जी का क्या करेगा, वो रेडिएशन करेगा, ठीक है, एनर्जी का क्या करेगा, रेडिएशन। और उस रेडिएशन को अगर हम प्रिज्म से निकालेंगे तो हमें क्या करेंगे, स्पेसिफिक वेवलेंथ के हमें बैंड मिलेंगे, जिसे हमने क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम, एंड दिस इज़ नोन एज द डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्लियर होती है बात, तो इसको नोट कीजिए। फिर अब इसी के बेसिस पर हमने स्पेशल टाइप के जो स्पेक्ट्रा बनते हैं, यानी बोहर के जो मॉडल से जो बना आगे स्पेक्ट्रा, वो क्या था, लाइमन सीरीज, बामन सीरीज, पाश्चन, ब्रेकेट फुंड, हम उसकी स्टडी करेंगे। इसको अभी नोट कीजिए। अब स्टूडेंट हमने समझना है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कैसे बना था, तो सिंपल जो आपने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और उसमें हमने उसमें स्पेक्ट्रम को इसको क्या करा, यहाँ से हीटेड किया, हाइड्रोजन गैस लिए, उसको हीटेड किया। हीटेड करने के बाद आपको पता है कि रेडिएशन होता है और रेडिएशन से आपको इस तरह का ऐसे इमिटेशन दिखाई देगा, यानी यहाँ पे आपको पता है कि n इक्वल्स टू ये 1 है, n 2 3 4 5 6, तो n इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो आपको पता है कि ये लाइन यहाँ से है ना ऐसे आती है, ऐसे रेडिएशन होगा, फिर उसके बाद स्टूडेंट ये वाला यहाँ से होगा। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम इनको इस तरह से ड्रा करते हैं तो आपको एक पूरा रेडिएशन यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा, या इसको आप कुछ इस तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ से हम इसको इधर, जैसे कि n बन से हम उसमें ऊपर जा रहे हैं तो n बन से हम यहाँ आएंगे, फिर स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे, फिर यहाँ आएंगे और फिर यहाँ, तो इस तरह से एक स्पेक्ट्रा आपको मिलता है जिसे हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बोला, ठीक है। तो हम पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले n इक्वल्स टू 1 लेना है, तो देखो यहाँ से ये यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से ये लाइन यहाँ पर आएगी, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आपने देखो यहाँ पे क्या करा, ऊपर से यहाँ पर लाइन आएगी, फिर ये वाली देखेंगे आप यहाँ से, ये यहाँ आएगी, उसके बाद ये यहाँ पर, उसके बाद ये यहाँ पर, और फिर ये वाली लाइन यहाँ पर, और ये ऐसे, तो आपको इस तरह का ये स्पेक्ट्रा देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो हमने n बन के लिए जब लाइन बनाई, ये स्पेक्ट्रा बनाया, तो हमने इसको बोला लाइमन सीरीज, तो ये जो मिला हमें लाइमन मिला, ठीक, ये लाइमन सीरीज मिलेगी हमें। अब n इक्वल्स टू 2 के लिए, तो यहाँ से फिर आएंगे हम 2 में, देखो 2 हमको ये दिखाई दे रहा है इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और ऐसे हमने ये स्पेक्ट्रा बना लिया। n2 में आता है स्टूडेंट तो कौन सी सीरीज आएगी, बामर सीरीज आती है, तो ये जो मिली बामर, क्योंकि ये बामर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक, n इक्वल्स टू 3 में आना है हमें, यहाँ पर आना है, यानी तो इस तरह से यहाँ ऐसे, और आपको अब स्टूडेंट ये सीरीज जो बननी है इसको हमने क्या नाम देना है, लाइमन बामर के बाद आता पाश्चन, तो ये है पाश्चन सीरीज। इसी के बाद अब हम n4 में एंट्री कर रहे हैं, तो ये ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ आएगी, फिर ये वाली यहाँ पर, ये वाली यहाँ पर, और ये यहाँ, तो आपको यहाँ पे स्टूडेंट मिलता है ब्रेकेट, n4 में आपको मिलता है ब्रेकेट सीरीज, ब्रेकेट सीरीज, ठीक है। अब आप बात करते हैं n इक्वल्स टू 5 में, ठीक, यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आएंगे हम, फिर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर, तो ये वाली जो सीरीज मिलती है n5 वाली, दिस वन, तो हम 5 की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं हम फुंड सीरीज, तो ये हमें मिलेगी फुंड, ठीक। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट n6 वाली सीरीज की,
तो हमें यहाँ पर आना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो ये जो मिलता है इसको बोलते हैं हम फेरी सीरीज। ठीक, ये मिली हमें हम फेरी। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पर आपको लाइमन जो सीरीज मिली है ये है N1 सीरीज, N1 में, और ये आपको N2 में। N2 आपको पता है कि ऑर्बिट है। ठीक, N=3 यहाँ पे मिलेगा, N=4 यहाँ पे मिलेगा, N=5 और यहाँ पे मिलेगा N=6। अब ये देखो लाइमन सीरीज जो दिखाई देती है ये यूवी रीजन में दिखाई देती है, अल्ट्रा वायलेट में, और N=2 बामर सीरीज जो है ये विजिबल रीजन में आपको दिखाई देगी, एंड पार्शन सीरीज आपको IR रीजन में या इंफ्रारेड रीजन में दिखेगी, ब्रेकेट सीरीज आपको IR में दिखाई देगी इंफ्रारेड में, फुन सीरीज आपको इंफ्रारेड में, लेकिन हमफेरी सीरीज जो है ये फार इंफ्रारेड रीजन में आपको दिखाई देती है। तो इस तरह से आप हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा बना लेते हैं। अब स्टूडेंट एक बात और समझना, यहाँ पे जो ये अलग अलग रीजन में आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी होती है हर एक की इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में और इसमें, तो एनर्जी क्या होती है, अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी अलग अलग आती है, इसलिए क्या होता है स्टूडेंट ये अलग अलग रीजन में हमें दिखाई देता है स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसको बनाइए फिर आगे बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट अब इनका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो एक रिच साइंटिस्ट था, उसने फॉर्मूला दिया न्यू, यानी यहाँ पर बेब नंबर (1/λ), लेमडा सी अपॉन न्यू अपॉन सी हमें मिलता है R1/N1² -1/N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको नहीं समझना है, बस आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, यानी आपको ध्यान रखना है बेब नंबर R1/N1² - 1/N2². ठीक, तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे N1 N2 जो है इंटेजर्स हैं, यहाँ पे कभी भी ये 1.2 या 3/4 नंबर में नहीं मिलेगा। N1 जो होता है यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मीनिंग है ये फिक्स है ऑर्बिट के लिए, जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1 ही वैल्यू होगी, लेकिन जैसे कि यहाँ पे N1 जो फिक्स है अगर यहाँ पे हमने पहली ऑर्बिट ले ली तो N1=1 हम बोलेंगे, तो ये 1 वैल्यू ही फिक्स रहेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे N2 की बात करते हैं तो ये वेरीज करता है, जैसे आप यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से N1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो N2 की वैल्यू आ जाएगी 1 के बाद आएगा 2, 3, 4, 5 इस तरह से, तो ऐसे ही वैल्यू जो होती है वेरीज करती जाती है। देखो बाल्मर के लिए जो N1 की वैल्यू है वो क्या है, 2 है, 2 ही फिक्स रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। अब यहाँ पे 2 के बाद आएगा 3, 4, 5, 6 और भी हो सकती हैं सर। पाश्चन के लिए 3, क्योंकि यहाँ पे जो N होता है वो 3 में मिलता है, तो यहाँ पे मिलेगा 4, 5, 6 और 7। ऐसे यहाँ पर 4 है ब्रैकेट के लिए N1 की वैल्यू, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5, 6, 7 और 8। इसी तरह से फुंड के लिए अगर 5 है तो यहाँ पे 5 के बाद आएगा 6, 7, 8 और 9। तो ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम इनसे फॉर्मूला बनाएंगे, नोट कीजिए इसको। अब लाइमन सीरीज के लिए जो फॉर्मूला होगा स्टूडेंट, आपको पता है कि बेब नंबर = होता है R(Z²) 1/N1² - 1/N2² यहाँ पे स्टूडेंट अगर जेड की बात करते हैं तो वो एटॉमिक नंबर के लिए होता है, और यहाँ पे इसके लिए होता है 1 नंबर, यानी जेड के लिए जो वैल्यू होती है 1, सॉरी हाइड्रोजन के लिए एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे आप 1 करके तो R भी लिख सकते हैं। ये R क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने सारी सीरीज़ के लिए इस तरह का फॉर्मूला बनाया, यानी बेब नंबर यहाँ पे लाइमन सीरीज के लिए होगा R(Z²) 1/1, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है N1 क्या होता है, N1 के लिए यहाँ पे क्या होता है लाइमन के लिए N1 की वैल्यू क्या आती है 1 आती है, यानी N जो होता है वो 1 में होता है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए, तो N2 वेरीज करेगा, N2 होगा 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला मिल जाता है लाइमन सीरीज का। ऐसे बामर सीरीज के लिए निकालेंगे तो R(Z)(1/2² - 1/N2² N2 होता है यहाँ पे स्टूडेंट 3, 4, 5, 6। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है बामर सीरीज का। नाउ पाश्चन सीरीज के लिए R(Z)²(1/3 और यहाँ पे N2 की वैल्यू आएगी 4, 5, 6 और 7। ठीक, इसी तरह से ब्रेकेट सीरीज के लिए R(Z)²(1/4² - 1/N2² यहाँ पे N2 की जो वैल्यू आएगी 5, 6, 7 और 8 आएगी। ठीक है,
फुन सीरीज के लिए सेम 1/5 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, यहाँ पे जो n2 की वैल्यू आएगी वो 6, 7, 8, 9 डेट दिस। तो इस तरह से ये फॉर्मूले हमने बनाए। r की वैल्यू आपको पता है रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, ये फिक्स रहता है, ये एटॉमिक नंबर को बताता है, और n2 की वैल्यू हर एक सीरीज के लिए हमने लिख ली है। इन फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे और इसकी हेल्प से हम काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकेंगे। नोट डाउन कर लीजिए।